नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने आपको 90 क्वेश्चन 9 पार्ट में घटना चक्र के पढ़ा दिए हैं। आज 91 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम करा देंगे, मतलब आज सेंचुरी हमारी लग जाएगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है दो समान त्रिभुज सदा सर्वाक्षम होते हैं, इस टाइप से दुनिया भर की बातें कर रहा है। अब एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सत्य कथन होगा वो इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यदि दो त्रिभुजों के तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हों तो वो एक समान होंगे। समझो 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक चीज समझ लेना, अच्छा लगेगा। देखो, सिमिलरिटी में देखा जाए, जैसे हमने ए बी सी लिख दिया और यहां मैंने पी क्यू आर लिख दिया। ध्यान देना, एक एक चीज बताई जाएगी। जब प्यारे दोस्तों मैंने ऐसा लिख दिया और अगर मैंने यहां एंगल अल्फा बीटा थीटा, यहां थीटा ये अल्फा और ये बीटा लिखा। अब एक चीज समझो, या हमने थीटा नहीं लिखा कि नहीं, दो त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा होगा। सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं? अगर हमने अल्फा थीटा ए बी लिखा, क्या लिखा? ए बी। तो आप यहां देखिए अल्फा थीटा क्या है? पी आर, क्योंकि इनका रेशियो। फिर देखो बीटा थीटा ए सी लिखा है, तो इससे बीटा थीटा देखना होगा जो कि क्यू आर है। साथ ही साथ अल्फा थीटा देखा जो कि बी सी है, और अल्फा थीटा जो कि पी क्यू है। तो आप देखो इन सबके रेशियो क्या बराबर होंगे, इसीलिए आंसर नंबर हमारा सी सही है। सी कह रहा है दो त्रिभुजों को समान कहा जाता है यदि दोनों त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 91 आपको क्लियर हो गया होगा। इसको दोबारा समझना, सिमिलरिटी क्या होता है प्रोसेस, तो चीजें अच्छे से समझ लेना बैक करके, ठीक है। 91 के बाद अब चलते हैं प्यारे दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन पे, अर्थात 92 नंबर। इसको जानेंगे और सीखेंगे सिर्फ हमारे द्वारा, हम यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी लंबवत है बीसी पर। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंबवत है बी सी पर। फिर हमसे कह रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, किसके बराबर होगा। दोस्तों अब यहां अंधी तो मान नहीं सकते कि ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर दिस एंड दैट, ना माध्यिका बोला ना कोई वैसा त्रिभुज बोला। इसका मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक चीज देखो, दोनों में जो कॉमन चीज है वो एडी है, अर्थात अगर मैं ट्रायंगल एडीबी में पाइथागोरस लगाऊं तो एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर एबी के स्क्वायर के। फिर मैं ट्रायंगल एडीसी में भी पाइथागोरस लगाऊं तो एडी का स्क्वायर डीसी का स्क्वायर एसी के स्क्वायर के। अब एक चीज देखना, हमें कैसे भी करके एडी हटाना होगा। अगर हम इनको घटाते हैं तो ये कटा, तो बीडी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर एबी स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। यहां देखा कि एबीसीडी साथ में है, अर्थात ये वैल्यू इधर ले गए तो बीडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। कहीं ना कहीं
ये आ गया। अर्थात आप खुद देखिए इसको बहुत अच्छे से। 92 नंबर क्वेश्चन में आपने देखा कि BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर किसके, AB का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 92 नंबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिए। चलिए तो दोस्तों इसे रब किया जाता है। ध्यान देना बहुत अच्छे से 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है ए बी सी में, ओबी और ओसी क्रमशः बी और सी के कोण द्विभाजक हैं। आसान क्वेश्चन है क्योंकि यही पूछता है एक तरीके से। कोण द्विभाजक है मतलब ये एंगल हम जानते हैं कि 90 प्लस एंगल ए बाई टू होता है, मुद्दा खत्म। फिर हमसे कहता है बी ए सी 60 है, तो हमसे कह रहा है बी ओ सी बताओ। अर्थात ये क्वेश्चन हमारे सारे बच्चों को आता है, सारे बच्चों को आता है। कैसे 90 प्लस, अब हमें बी ओ सी चाहिए तो ए बाई टू अर्थात 60/2 तो ये 30 आ गया, 120 इसका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लगाएंगे, हो गया सो हो गया, मोह माया त्याग दो, हो गया सो हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा था 93 नंबर, कौन सा था 93 नंबर, जैसा कि आपको सिखा दिया गया है। चले तो चलते हैं 94 नंबर की। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एक त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के बराबर है। यदि समान भुजाओं का अनुपात k:1 है, समान भुजाओं का अनुपात k:1 तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। प्यारे दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले सिमिलरिटी बताई थी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो क्षेत्रफल होगा, जो हमारा क्षेत्रफल होगा एबीसी अपॉन क्षेत्रफल डीईएफ। अगर ये दोनों एबीसी और डीईएफ सिमिलर हैं तो उनकी भुजा एबी का स्क्वायर इसका डीई का स्क्वायर, क्योंकि हमें k:1 का रेशियो दिया गया है। अब भुजा कौन सी हो सकती है वो नहीं, पर समान भुजा का बोला गया है तो फिर आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं एसी का स्क्वायर और डीएफ का स्क्वायर अर्थात k:1। तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात जो आएगा वो आएगा k:1। ये तो आप आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्यों सर क्यों आसान लग रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि हमने इनको पहले ही पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो क्योंकि 94 नंबर चल रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग 5 घंटे के आसपास पढ़ चुके हो ज्योमेट्री को इसलिए, और कई बार ये क्वेश्चन आए हैं हमने डिस्कस किए, कई बार आए हैं और हमने डिस्कस किए हैं। तो 94 के बाद अब हम चलते हैं किसमें, 95 नंबर में 95। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक रेखा ए से गुजरते हुए भुजा बीसी को डी पर इस प्रकार काटती है। त्रिभुज एबीसी में एक रेखा ए से गुजरते हुए भुजा बीसी को डी पर इस प्रकार काटती है। ठीक है, काटती है जिससे बीडी और इसका रेशियो 4:5 हो जाता है। हमसे कह रहा है क्षेत्रफल ए बी डी जो कि 60 है
तो क्षेत्रफल ए डी सी चाहिए। अरे इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे मार्केट में नहीं है प्यारे दोस्तों। कैसे आप खुद बताना। हमने आपको एक बार बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक बटा दो बेस इंटू हाइट होता है। अरे हाँ या ना, बताया था। साथ ही साथ आपको ये बता रखा है हमने कि अगर हाइट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हिंदी में अर्थ स्थिर है, तो क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आधार के होगा। मतलब आधार का रेशियो 4:5, इसका अर्थ यह है कि इसका जो एरिया है 4 और 5 के रेशियो में होगा। अब ABD का एरिया 60 दिया गया, ABD 4 बराबर 60 के, तो 15 चौको 60, तो 5 बराबर किसके, 75 के, 5 बराबर 75 के, बताया गया था कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 95 नंबर क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद तो चलते हैं प्यारे दोस्तों 96 नंबर की ओर। सीखेंगे 96 नंबर। एक एक चीजों पे चर्चा होगी और मक्खन के तरीके सिखाया जाएगा। कह रहा है एक रेखाखंड में तीन बिंदु ए ओ बी हैं। एक रेखाखंड में तीन बिंदु ए ओ बी हैं। फिर कह रहा है सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ पर नहीं है, ठीक है कहीं होगा। फिर कह रहा है यदि ए ओ सी 40 डिग्री है तो 40 तो इधर झुकाव होगा, ए ओ सी 40 है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है ओ एक्स ओ वाई ए ओ के क्रमशः आंतरिक और बाह्य द्विभाजक है, तो बी ओ वाई मतलब वाई की वैल्यू चाहिए। दोस्तों छोटी छोटी बात को मैं प्रकाश स्वस्तिक कानपुर वाला सिखाता हूं, और देखो पेशेंस के साथ 10 बजे का शो जरूर देखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो कि हमने स्टार्ट कर दिया है, परसेंटेज भी घटना चक्र का पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा रहा हूँ, और मेंसुरेशन का 3D भी पढ़ा रहा हूँ, तो सब पढ़ना है आपको। अब लग जाओ, आग लगा दो, ठीक है। ध्यान देना, लोगों को बता दो कि प्रकाश सर आप फॉर्म पे चल रहे हैं। तो ये 40 है, तो ये जो एंगल आएगा वो 140 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। आप एक चीज समझो, इसमें कह रहा है कि कोण समद्विभाजक, तो इसका कोण ओ एक्स और ये कोण समद्विभाजक वाई। आप खुद देखो, ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। हमसे कह रहा है बी ओ वाई, बी ओ वाई, तो आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। है ना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। तो चीजों को सीखो, तो ये वाला भी हो गया। चलते हैं प्यारे दोस्तों 96 नंबर के बाद अब बारी आई किसकी, 96 नंबर के बाद अब बारी भाई 97 की तो आएगी, कोई और आ जाएगा, 97 आएगा, सिखाया जाएगा। नंबर बहुत मक्खन तरीके से हमारे द्वारा आपको अब सिखाया जाएगा। 97 कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एल एम एन समान बोला, मतलब सिमिलर हो गए। फिर हमसे कह रहा है 3PQ बराबर किसके, एल एम के, और एम एन बराबर किसके, 9 की है, तो हमें क्यू आर किसके बराबर है। हमसे पूछा गया क्यू आर किसके बराबर है। अच्छा आप एक एक चीज को समझो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं देखूं PQ अपॉन LM, इसका जो रेशियो आएगा वो 1/3 हो जाएगा कि नहीं। और सीधी सी बात, अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा
थीटा, क्योंकि सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो आप हमें क्यू आर चाहिए ना, क्यू आर। अच्छा एक चीज देखो, क्यू आर किस में, अल्फा थीटा में, तो ऐसे क्यू आर लिख दो। यहां देखो अल्फा थीटा क्या है, एम एन है, तो क्यू आर एल एम। अब यहां पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू किस में, पी क्यू अल्फा बीटा में, तो पी क्यू लिख दो। और ये एल एम। अब एक चीज देखो, सारे बच्चे मक्खन त्रिके, क्यू आर तो हमें चाहिए चाहिए, एम एन, एम एन 9 दिया गया, पी क्यू 1/3, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कहीं ना कहीं 97 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम आपको एक बार बड़ा खतरनाक तरीका बताते हैं उसको समझना। ये तो अभी क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, बस एक लाइन समझो कि पी क्यू अपॉन एल एम 1:3 के रेशियो में है, मतलब पी क्यू, पी क्यू ये 1:1 के रेशियो में चलेंगे सारे, और एल एम, एल एम 3:3 के रेशियो में चलेंगे। अब हमें एम एन बराबर किसका दिया गया, 9 का, 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर किसके, 3 की। हमें क्या चाहिए, क्यू आर, 1 × 3, 3 इसका आंसर है। तो कहीं ना कहीं 97 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो बचे 3, उन्हें भी करा दिया जाएगा, क्योंकि आज तो शतक लगेगा। 97 के बाद अब हम चलते हैं प्यारे दोस्तों 98 नंबर की ओर, किसकी ओर, 98 नंबर। कह रहा है 98 में, किसी त्रिभुज, किसी एबीसी त्रिकोण की मध्य रेखा एडी है, ठीक है, एक त्रिभुज है और मध्य रेखा एडी है, मध्य रेखा मतलब समझ गए, एओ बराबर 10 है, ओडी की लंबाई बताइए, और ओ इसका क्या है, केंद्रक है। अगर ओ हमारा सेंट्रोइड है, क्या है, सेंट्रोइड है, अगर ओ हमारा सेंट्रोइड है, तो प्यारे दोस्तों 2:1 का रेशियो होगा कि नहीं, और ये 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, अर्थात ओडी हमारा किसके आएगा, 5 के आएगा। आशा है लॉजिक क्लियर हो गया होगा, बहुत मक्खन के तरीके से हमने पढ़ा दिया। 98 के बाद हम चलते हैं 98 के बाद 99 की ओर, इसको समझेंगे 99, ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है, मान ले कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, फिर हमसे कह रहा है भुजा BC पर शीर्ष से इस प्रकार लंब है, BC पर शीर्ष से इस प्रकार लंब है कि AD का स्क्वायर बराबर BD और इंटू CD के, एंगल BAC का माप क्या होगा। दोस्तों हम आपको पहले तरीका बताते हैं और फिर आपको हम सिखाएंगे शॉर्टकट, क्या सिखाएंगे, शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट से आपको मिलेगी खुशी। आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं इसमें और इसमें पाइथागोरस लगा दो, अगर आपने इसमें पाइथागोरस लगाया ट्रायंगल ए डी बी, अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के। फिर आप एक चीज देखो, अगर आप पाइथागोरस लगाओगे
ए डी सी में, मतलब ए डी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर बराबर, अच्छा वहां ए बी है और यहां ए सी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, दोनों को जोड़ दो। जब आपने दोनों को जोड़ा तो टू टाइम्स ए डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर क्या है। साथ ही साथ आप देखो यहां टू ए डी लिखा है, अगर हमने यहां दो का गुणा किया और यहां दो का, इसकी जगह ये रख दिया, मतलब टू बी डी इंटू सी डी, बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये बन गया बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, जो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। आप एक चीज देखो, ये बी डी है और ये डी सी है, तो पूरा का पूरा बी सी हो जाएगा, मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, अर्थात बी सी हमारा कर्ण होगा तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर किसके, बी सी, तो कर्ण के सामने वाला 90 डिग्री का होगा, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। अब एक बात समझो, हमने आपको ये प्रॉपर्टी पहले ही बता रखी है, देखिए डायरेक्ट हमने कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ठीक है। अगर आपने शुरुआत से लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे तो भी हम आज फिर बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताया गया था। कॉन्सेप्ट क्या? नामकरण ए बी सी लिख दो और ये ऐसे लंब डाल दो। हमने पहला पॉइंट आपके सामने लिखवाया हुआ है, क्या कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी का स्क्वायर, सॉरी ए डी इंटू ए सी के। दूसरा बताया है कि बी सी का स्क्वायर बराबर होता है सी डी इंटू सी ए। तीसरा बताया है कि दोनों का भाग दे दो, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, जब आप भाग दोगे तो ये कटेगा, ए डी अपॉन सी डी हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमने ये बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है डायरेक्ट आंसर वाला, कि बी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर डी से ए और डी से सी, इसलिए ये 90 होगा, क्योंकि हमें इसी टाइप की कंडीशन दी थी और डायरेक्ट 90 मार देते। और पांचवा हमने आपको बताया है, क्या कि जो बी डी होता है वो ए बी इंटू, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होगा। तो ये सारे पॉइंट सिमिलरिटी के होते हैं, भविष्य में प्रूफ भी करेंगे, पहले हम बता भी चुके हैं, तो आप सारी वीडियो देखिए, दसवां चल रहा है तो इससे पहले हमने काफी कुछ सिखाया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई है, तो अब अंतिम क्वेश्चन जिसका नाम है 100 नंबर। कौन सा नंबर? 100 नंबर। सौवा नंबर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है ए बी सी में, कह रहा है बी एंगल 70 है, सी एंगल 60 है, तो बाय डिफॉल्ट तीनों का योग 180, तो ये 50 हो जाएगा। फिर कह रहा है एबीसी के सबसे छोटे कोणों के आंतरिक द्विभाजक, तो एक ये सबसे छोटा आंतरिक द्विभाजक और दूसरा ये सबसे छोटा आंतरिक द्विभाजक, कोण समद्विभाजक ओ पर, तो ओ पर, तो हमसे कह रहा है ओ पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, एंगल ओ चाहिए। आप कोई मेहनत ना करो,
और आप एक चीज ध्यान दो, कहीं ना कहीं ये जो एंगल होगा, ये कोण द्विभाजक, ये कोण द्विभाजक यहां मिलना है, तो ये एंगल होगा 90 प्लस एंगल B बाई 2 के, मतलब 90 B 70 बटा 2, कितना 70 बटा 2, तो 90 प्लस 35, और 90 प्लस 35 कितना होता है 125 डिग्री, तो इसका आंसर 125 आएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए हैं आज, हमने टोटल 100 कवर करा ले गए, अब बचे 300 प्लस क्वेश्चन, धीरे धीरे कराए जाएंगे रात को 10 बजे 10 क्वेश्चन के साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी। हाँ, प्रकाश अवस्थी ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उन सारे लिंक को देखिए और सीखिए। धन्यवाद।